भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो भाई टॉप 5 कॉलेज हैं आपके, जो कि आप जिसके अंदर आप क्लैट पीजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, उनके अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर चाहिए। अब एग्जाम में देखिए आपके 6 महीने रह गए हैं और जो टॉप 5 कॉलेज है हर इंसान कोशिश करता है कि यार उसमें मुझे एडमिशन अपना मिल ही जाए। अगर आप पीएसयू की भी तैयारी कर रहे हो तब भी एक बैकअप ऑप्शन आप लेके चलते हो कि यार एलएलएम मेरा टॉप 5 से हो जाए तो थोड़ा सा बढ़िया एक अपना एलएलएम की डिग्री हो जाएगी। तो उनमें क्या स्कोर लाना होता है ये हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेस्ड अपॉन जो आपके लास्ट 2-3 साल के जो आपके मेरिट लिस्ट आई है उसके अंदर क्या स्कोर रहा, स्टूडेंट्स का कैसा रहा, क्या रहा, कितना उन्होंने स्कोर करा कि उनको वो टॉप 5 कॉलेज जनरल कैटेगरी के अंदर अपना मिल गया, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉलेज जो आपका है, जो आपका टॉप नंबर 1 पे है यहाँ पे, वो है आपका LSIU बैंगलोर। अब LSIU बैंगलोर के फायदे तो आप सब लोग जानते हैं कि भाई यहाँ से अगर आप अपना एल एल एम परस्यू करते हो तो बिजनेस लॉ के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस और इंडिया के अंदर नंबर 1 नंबर 2 के उसमें ये आता ही आता है, NU दिल्ली के कंपैरिजन में रहता ही है। यहाँ पे एडमिशन लेना है आपको तो कम से कम आपको 75+ तक का स्कोर यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, बिकॉज उससे कम अगर आप लाते हो तो आपके चांसेस बहुत मुश्किल है यहाँ पे LSIU में आपके होने के। रैंक भी जो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपकी रहती है वो आपके समझ लीजिए 120 से लेके 150 के बीच में क्लोजिंग रैंक हमेशा यहाँ पे रही है और हमेशा 75+ के ऊपर ही यहाँ पे उम्मीद करिए कि अगर आप ले आते हो तो आपको LSIU मिलने का चांस है अंडर जनरल कैटेगरी। यहाँ पे मैं किसी और मतलब आप चाहे वर्टिकल रिजर्वेशन हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो, कोई रिजर्वेशन के बिना मैं बिल्कुल जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ कि कितना स्कोर आपको चाहिए LSIU बैंगलोर के लिए, ठीक है। फिर जो अगला कॉलेज हमें डिस्कस करना है वो है आपका नलसार हैदराबाद। अब ये भी आपका काफी ज्यादा बेटर कॉलेज है अगर आपको एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक अच्छा कॉलेज चाहिए जहां से आपकी डिग्री बढ़िया हो, अच्छी यहाँ पे आपको फैकल्टी मिले, सब कुछ हो, दैट इज नलसार यहाँ पे हैदराबाद। यहाँ पे जो स्कोर है वो आपका 70+ होना चाहिए। अब आप ये कहोगे सर ये 70+ 75 से गिर के कैसे हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो LSIU है उसके बाद राम मनोहर लोहिया कॉलेज है उसको काफी लोग प्रेफरेंस देते हैं और उसके बाद नलसार का नंबर आता है। यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक आपकी होती है वो आपकी समझ लीजिए 200 से लेके 220 तक यहाँ पे चली जाती है फॉर क्लैट पीजी। 2021-22 का यही ट्रेंड रहा आपका रहा है और अगर आप 70 से ऊपर स्कोर लाते हो देन देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि आपका नलसार तो आपको 100% मिल ही जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मेरे को स्कोर जो टारगेट करना है 70+ आपका होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं LIU आपके भोपाल की। अब ये जो LIU भोपाल है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कॉलेज है, थोड़ी सी सीटें यहाँ पे कम रहती हैं, इसीलिए यहाँ पे जो आपका स्कोर नीडेड होता है वो आपका 65+ के अराउंड में आपका ये हो जाता है। और यहाँ पे आप अगर क्लोजिंग रैंक की बात करो कि कितने पे रैंक क्लोज होती है तो यहाँ का ये जो ट्रेंड रहा है वो आपका 350 तक आपकी क्लोजिंग रैंक यहाँ पे 350 आपकी 70 तक यहाँ तक क्लोजिंग रैंक यहाँ पे चली जाती है क्योंकि 400 भी जाती है यहाँ पे LIU बैंगलोर ये भोपाल के लिए। तो आपका जो स्कोर है वो आपका 65+ हो वो आपको अच्छा यहाँ पे चांस है कि आपको दिला देगा। मैं यहाँ पे एक और बात ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं तो आप हमारे साथ संभव लोग में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैंपियंस कोर्स के अंदर एनरोल होकर अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट दे सकते हैं, बिकॉज इस कोर्स के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मोर देन 70+ मॉक पेपर जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी इंक्लूडेड है और आपके नॉर्मल जो आपके मॉक पेपर्स हैं सारे के सारे पैटर्न्स को इंक्लूड करते हैं सारा हम लोग यहाँ पे आपको देंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर हम लोग बात करें जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसकी पूरी सीरीज यहाँ पे आपको रहेगी जिसके थ्रू हम लोग आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे, साथ में रिटर्न जो मटेरियल होता है वो भी दिया जाएगा, डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप वेट किस चीज का कर लो, केवल यहाँ पे 4899 में आपको ये केस जो पूरा कोर्स ही आपका आपको पूरा मिल जाएगा। और अगर आपको मान लो कोई डाउट्स हो कोई बात है तो आप मुझे नंबर जो मेरा दिया होगा उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करके इस कोर्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हो कैसे क्या है, और भी कोई डाउट हो आप बात कर सकते हो। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं NUJS कैलकटा की। अब NUJS कैलकटा के लिए भी यहाँ पे जो क्लोजिंग यहाँ पे रैंक रहती है वो थोड़ी यहाँ पे नीचे रहती है और यहाँ पे स्कोर भी जो होता है वो कभी 65 के नीचे भी अगर आप लाते हो थोड़ा सा एक दो नंबर यहाँ पे चल सकता है, जितना आपका LIU के लिए है उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आपका स्कोर समवेयर इन द बॉल पार्क ऑफ 65+ है तो आराम से आपको यहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्लोजिंग रैंक की भी अगर बात करें तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक होती है वो 600 तक चली जाती है आराम से स्टूडेंट्स की। तो आपका स्कोर 63, 64, 62 ऐसा भी रहता है, थोड़ा हद तक चांस है, बट 65+ अगर जनरल कैटेगरी में है तो अच्छा चांस है कि आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी आपकी काफी ज्यादा है तो यहाँ पे जो चांस भी होता है ना इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे यार हो जाएगा थोड़ा सा करके। उसके अलावा जो अगला आपका कॉलेज है वो है आपका टॉप 5 का ना NLU जोधपुर का। अब NLU जोधपुर का जो यहाँ पे मार्क्स का थ्रेशोल्ड है वो सबसे ज्यादा कम है इन द टॉप 5 कॉलेजेस, बिकॉज यहाँ पे आपको जो स्कोर है वो 60+ तक चाहिए होता है, बिकॉज यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक है वो अराउंड आपका 750 से लेके 800 तक यहाँ पे चली जाती है फॉर क्लैट पीजी जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे 60+ जब मैं बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि 60+ आपका आगे तो 100% हो ही जाएगा, उसमें भी डिपेंड ये करता है कि भाई आपने जब भरा तो उस टाइम मतलब मान लो कहीं कट ऑफ ऊपर चला गया नीचे चला गया कुछ हो गया, देन दैट इज अपना एक सर्टिनिटी होती है कि हाँ हो सकता है। लेकिन जो एक सेफ स्कोर की अगर आप बात करो तो यहाँ पे एनएलएस एनएलयू जोधपुर के लिए मैं कहूंगा 60+ वैसे है, बट स्टिल आपको कोशिश करनी है 65+ तक स्कोर करने की ताकि 100% श्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे सीट जोधपुर है वहां पे मिल जाए। सो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना अपनी, जो आपके टाइम अब बचा है यहाँ पे 6 महीने का टोटल में, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि पहले आपके 3 महीने हैं जून का जुलाई का और अगस्त का, इनमें आपको उठा के पूरा अपना सिलेबस कोशिश करिए खत्म करने की, और जो बाकी बचे हुए 3 महीने हैं सितंबर से लेके आपके नवंबर तक के उसके अंदर जाइए और उस पूरे सिलेबस को एक बार उठा के पूरा रिवाइज करिए। ये देखिए कि आप भाई किन किन एरियाज ऑफ लॉ में कमजोर हो, कहाँ कहाँ मॉक पेपर्स में आपके नंबर कम आ रहे हैं उनको रिवाइज करो, केस लॉज रिवाइज करो, जम के मॉक पेपर लगाओ तो जाके आपका आराम से सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू जस्ट मेक श्योर इज कि आपकी जो रैंक है वो आपकी रैंक अंडर 700 आ रही है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन अंडर टॉप 5 कॉलेजेस, और उसके अंदर भी अगर एकदम टॉप 3 में जाना है तो आपकी रैंक अंडर 350 आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टॉप 2 की बात करते हो तो फिर 200 के अंदर में रैंक आए तो अच्छा रहेगा। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। मैं यहाँ पे आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि जब आप एक टारगेट बना के चलते हो ना कि क्या होना चाहिए, वो ये आपका होना चाहिए कि इतने मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्लैट पीजी कैसे प्रिपेयर करना है क्या करना है आप मुझे नीचे कमेंट से बता सकते हैं।